नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग एंड राइडिंग ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मैनुअल पोल्ट्री फार्म है और आज की ये वीडियो हमारे जो फार्मर भाई हैं जिनके पास में मैनुअल पोल्ट्री फार्म है तो उनके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि यदि आपके पास मैनुअल पोल्ट्री फार्म है और अभी ह्यूमिडिटी का मौसम चल रहा है कि अभी लू वगैरह नहीं है, हुमस है, और इस मौसम में आप अपने बर्ड का मैनेजमेंट किस तरह से रख सकते हैं जिससे कि बर्ड गर्मी में ज़्यादा परेशान न हो। आप बर्ड को देख सकते हैं कि बर्ड बिल्कुल भी कहीं परेशान नहीं है, आराम से खुला खुला बैठा है और कहीं कोई गर्मी वगैरह की इसमें शिकायत महसूस हो नहीं रही। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बर्ड में आपको जगह पूरी दे के रखनी है जिससे कि बर्ड में कहीं भी कोई भीड़ का एहसास न हो। आप इनको बेशक दो जो ज़रूरत से ज़्यादा आप जगह इनको थोड़ी बहुत दे सकते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है, मैनुअल शेड है, व्यवस्थाएं नहीं है, सारा कुछ मैनुअली ऑपरेट आपको करना है। मौसम है जो बाहर का है वैसा ही अंदर का रहेगा। तो इसमें आपको एक तो जगह का यही ध्यान रखना है कि जगह आप बढ़िया से बढ़िया जगह दें जिससे कि बर्ड खुला बैठा रहे। दूसरा हम आपको बता दें कि जो आपका मैनुअल पोल्ट्री फार्म होता है उसमें आपकी जो ये साइड की दीवारें होती हैं वो लगभग आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच की ही इनकी ऊपर छोड़ें दीवार को, बाकी ज़्यादा ऊंची दीवार न रखें। यदि ऊंची दीवार होगी तो हल्की फुल्की कुछ हवा वगैरह चलेगी तो वो बर्ड को नहीं लग पाएगी, क्योंकि यदि दीवार ऊँची रहेगी तो वो बर्ड के ऊपर से निकल जाएगी। आप हमारी ये दीवार देख सकते हैं, कहीं 4 इंच है, कहीं 3 इंच है, तो ज़्यादा कुछ हमने छोड़ नहीं रखी, मिट्टी का भराव इसमें कर रखा है क्योंकि इसमें इसी शेड वाली व्यवस्थाएं नहीं है, बाहर की हवा ही बर्ड को लगेगी। तो वो यदि आपकी दीवार ऊंची रहेगी तो आपके बर्ड को वो हवा नहीं लग पाएगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पिछली बात जो है, यदि आप अपने शेड में ह्यूमिडिटी के मौसम में यदि लगा पाओ तो आप सीलिंग फैन लगा सकते हैं, वो भी आपके बर्ड को काफ़ी हेल्प करते हैं गर्मी से बचने में, क्योंकि ह्यूमिडिटी के मौसम में फ़ैन भी अच्छी खासी ठंडी हवा देता है तो बर्ड काफ़ी कंफर्टेबल उसमें फील करता है। तो आप सीलिंग फ़ैन भी अपने फार्म में लगवा सकते हैं। तो आगे हम आपको बताएं कि यदि आपका बर्ड गर्मी में गर्मी ज़्यादा मानता है या हार्ट अटैक की दिक्कत आपके फार्म में आ रही है कि हार्ट अटैक की जो मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा है, तो आप एक या दो दिन के लिए अपने बर्ड के दोपहर में जो जब पीक टाइम होता है गर्मी का उस टाइम आप अपने दाने के जो फीडर्स हैं वो ऊपर उठा दें लगभग 4 घंटे, 12 से 4 या 11 से 3 बजे तक आप अपने दाने के जो फीडर्स हैं वो ऊपर उठा दें। और फिर उसके बाद यदि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखता है तो यही प्रोसेस आप 3-4 दिन तक चलने दें और फिर उसके बाद वापस नॉर्मली रूटीन पे आप आ सकते हैं। और फिर यदि आपका बर्ड दाना कम खाता है गर्मी की वजह से तो उसमें आप जो हमारा लीवर टॉनिक होता है वो लगा सकते हैं, और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में भी आप लीवर टॉनिक बर्ड में लगा सकते हैं जिससे कि उसकी पाचन शक्ति है वो और अच्छी बने और बर्ड को ज़्यादा दिक्कत न हो। और जो आखिरी बात हम आपको बताना चाहते हैं वो है पानी की, कि आप अपने पोल्ट्री फार्म में मैनुअल पोल्ट्री फार्म में आप बर्ड को ज़्यादा जगह भी इसलिए दें ताकि उनमें पानी के जो ड्रिंकर्स हैं वो और ज़्यादा हों, बर्ड की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी के ड्रिंकर्स इनको दें जिससे कि पानी की कहीं भी कोई कमी इनको न आए। पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है गर्मी के मौसम में, तो उसकी भी आप इसमें पूर्ति ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें जिससे कि और पोल्ट्री फार्मर भाइयों को भी मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।